व्यूअर्स, अभी रात हो गई है और हम सो रहे हैं। असद देर से खाना आज खा रहा है, क्यों भूख नहीं है? इसने शाम में खाया हुआ है खाना, इसका मैं बैग चेक करूं स्कूल का। और अभी टाइम कितना हुआ है? 11:29 PM। ये हुए, ये रही आपकी साजिदा पीडियाश्योर, ये डाल के देती है, इसको भूख नहीं है। और अभी रात हो गई है, आज कपड़े धोए थे, ये पड़े हैं, आधे सूख गए हैं, आधे देखें। रात हो गई है और इतने बादल थे, कुछ देर पहले मैं डर गई थी। दूध भी बॉयल कर लिया है, अभी बस मैं भी सो रही हूँ। ये दूध बॉयल करके मैं इसे पानी में रखती हूँ कि ठंडा हो जाए। ये जो कीमा बनाया था दोपहर को, ये देखें थोड़ा बचा पड़ा है। ये चावल बनाए थे पुलाव सिंधी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, भूख नहीं लग रही। बर्तन हमने साफ कर लिए, अभी सोएंगे और सुबह फिर उठेंगे। ये दूध पड़ा है, कुमेल पड़ा है बस, और ये तीन देसी अंडे, टमाटर, धनिया। व्यूअर्स, अभी मैं असद के लिए दूध बना रही हूँ। ये एक चम्मच, ये दूसरा चम्मच डाला, इसको किया बंद। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे से टाइम कितना हुआ है? 12:03। असद आज लेट हो गई फिर से, ये लो इधर आओ असद। ये देखो, पियो। ये नहीं करना कुछ इसको, नहीं पियो, शाबाश। 3 ब्रेक्स करके पीना। अंदर सो गया, टीवी चल रही थी, अभी चलो हम भी सो जाते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं सिकंदर को दूध दे रही हूँ, असद को दे दिया, उसने पी लिया। सिकंदर तो आपने देखा सो गया, अभी मैंने उसको उठाया, उसको दूध पिलाऊंगी, फिर वो सो जाएगा। सिकंदर उठ, खीर तो इसको भी मैंने व्यूअर्स सुला दिया। सो जाओ, अभी मैं भी सो जाऊंगी, सुबह मिलते हैं। सुम्पा दुआ पढ़ी, सुम्पा
ये आप क्या कर रही हैं? रात में रात को ये पूरा किचन धोया था ना, पूरा ये सरफ और फिनाइल गर्म पानी से धोया, ये सब के लिए रोटी बना रही हूँ। दाल पराठे बनाने आते हैं। किस किस तरह के? एक अरबिक पराठा, ये जो है ना ये सादा है, इसमें अंदर घी नहीं भरा हुआ, एक घी वाला, एक वो जो डोरी वाला होता है वो, एक लच्छे वाला। मैं सारे दिखाऊंगी किसी दिन, मगर क्या है कि मेरी रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं है। अब स्टैंड लूंगी, अब आ रहा है ना छोटे स्टैंड, अभी देखो तवा हमारा गर्म हो गया है, ये देखो तवा गर्म है, थोड़ा थोड़ा खुला, ये सिंपल पराठा है। चाय मैंने बना के रखी हुई है, असद खड़ा है। असद असद पराठा खाओगे नॉर्मल रोटी? नॉर्मल। आज सैटरडे का दिन है, नहीं सॉरी दिन का नाम नहीं सुनने का, इसमें मैंने अंदर से घी नहीं भरा। ये पूरा किचन खराब हो गया था, अभी यहाँ मैंने ये प्लास्टिक की बिछाई है। लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर्दे लगाओ, तो यहाँ कोई है ही नहीं चीज, बस गुजारा करना है, इतना खर्च नहीं करना। जब मैं अपनी जगह लूंगी ना पर्सनल, अल्लाह पाक जब हमें अपना घर देगा ना, तो वो मैं अच्छे तरीके से बनवाऊंगी, इतना बड़ा किचन बनवाऊंगी। ये भी शुक्र है ये मेरी साइज का है, सही है, मगर ये थोड़ा छोटा है क्योंकि कुछ चीजें मेरी यहाँ नहीं आ सकती। हो माशाल्लाह से कितना अच्छा पराठा बन गया, बिल्कुल भी गोल है। एक मिनट स्टॉप करो, गोल पराठा गरम गरम असर खाएगा। मैं सर तो सुबह को बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देती। देखें टमाटर की पील ऑफ कर दी, अब इसमें नमक, लाल मिर्च और डाल के फिर ये आलू डालूंगी, फिर ये फ्राई हो जाएंगे। सिकंदर ऐसे खाता है। और फिर उसके लिए पराठा बनाऊंगी। चाय मैंने पहले से बनाई है, ये टमाटर लिए थे रात को, ये धो के साफ करके रखे हैं, अभी इनसे पानी निकल जाए। रात ये मैंने पूरा किचन गर्म पानी और सरफ से धोया है, अभी इस डिब्बी को भी धोना है चाय वाली को, और ये मेली हो गई है इसको धो, ये मैंने धो ली, ये खेल रहे हैं। चाय बना के मैं इसमें रख लेती हूँ सुबह को ही। देख रहे हैं ये अचार है, ये मैं किसी के घर आई हूँ, वो शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं, और ये अचार जो है खुद घर में बनाते हैं, ये मिक्स सब्जियों का ओरिजिनल हाथ का बनाया हुआ अचार है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गाजर है, गोभी है और शलजम है, और जो भी सब्जियाँ हैं ये वो हैं, और इतनी खूबसूरत ये है दिखने में भी खाने में भी। और अभी मैं इसके पास खड़ी हूँ तो इसकी खुशबू ही बता रही है। तो आप ये कैसे किलो, ये 300 रुपये इसका किलो है, आधा किलो 150 में, और आधा किलो 150 में। तो जिस जिसको ये अचार चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उनको ऑर्डर जो भी करेंगे तो हम दिलवाएंगे। बहुत अच्छी अचार है, और ये जो अचार के शौकीन लोग हैं उनको ही पता होगा कि शिकारपुरी अचार जो मशहूर होती है पूरी वर्ल्ड में ये मशहूर है। तो ये वहाँ के हैं तो ये खुद भी बनाते हैं, और जो आंटी ये बनाती हैं अचार वो कहती है कि जिसको जैसी अचार बनवानी हो
तो वो ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। तो यकीनन आपको देख के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।